दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की। बीते दिनों अमृतसर शहर में कूड़े के डंप को लेकर अमृतसर प्रशासन और नगरवासी आमने सामने हो गए थे। मामले को गर्माता देख प्रशासन द्वारा कोट मंगल सिंह इलाके के कूड़े के डंप को स्थानीय निवासियों के विरोध के बाद बंद कर दिया गया था, जिसके बाद शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी। अब अमृतसर प्रशासन ने इस मामले का हल निकालते हुए अमृतसर के फतेहपुर में नई जगह निर्धारित की है। प्रशासन के इस फैसले का विरोध ना हो, इसके लिए 300 पुलिस कर्मियों के सुरक्षा कवच में कूड़े को फेंकने का काम किया गया। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कूड़े को फेंकने के कारण अमृतसर में स्थिति तनावपूर्ण बन गई थी, जिसके चलते सरकार की हिदायत पर ये सुरक्षा लगाई गई है। साड़ी पूरी कोशिश है कि आज शाम तक या कल सवेर तक वो सारा कूड़ा सी शहर विचों समेट लवां। चलो मुलाजमान जी है प्रोटेक्शन दी जाए, कल भी फोर्स रहेगी इतने, कल भी जी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों फोर्स सानू इंश्योरेंस दी गई कि प्रोवाइड की जाऊगी, बट जो भी सानू लोड़ पेगी इंश्योरेंस दी गई है कि वो प्रोटेक्शन दी जाऊगी। पर लोगों जो समझदार ने लोगों को पता कि जी ये समस्या है वो लोगों की समस्या से हल कर रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों तो इतने शहर जिदा सारी जानती हैं डंप को लैके इतने काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इस करके शहर काफ़ी गंदगी फैल रही थी, उस करके सरकार वालों ऑर्डर से कि जोड़ा कूड़ा कितना कितने सुटाया जाए तो सुरक्षा प्रबंधन लिए इतने सारी फोर्स लगाई गई है ताकि कूड़ा सुटने किसी प्रॉब्लम ना हो। सानू ऑर्डर आया सीनियर अफसर वालों तो सारा प्लान तैयार किया गया प्रॉपर, तो उस मुताबिक सारा प्रबंधन पूरा एरिया जो म्यूनसिपल कारपोरेशन की जगह है उत्थे कूड़ा डंप हो रहा है।